सो है गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। वीडियो में बात करने वाला है अल्पेश यादव और फुकरा इंसान के बारे में। जी हां साथियों, आपको बता दें कि बिग बॉस के बाद फिर से इनकी रीयूनियन हो गई है एक और शो में। जी हां साथियों, आपको बता दें कि प्ले ग्राउंड में यहां पर फुकरा इंसान की भी एंट्री हो गई है और ये दोनों एक दूसरे को यहाँ पर रोस्ट करते हुए नजर आए। जरा देखिए किसने मारी बाजी, आपको दिखाते हैं ये क्लिप। भाई तू कहां से आ गया यार? आई एंटरटेनमेंट की कमी हो रही थी तेरे से। ओ माय गॉड, और भाई ने आते ही जोक मारने शुरू कर दिए। देख लो, मैंने अभी बताया, मैंने शो एक्सटेंड हो रहा है हमारा, तो एंटरटेनमेंट की कमी तो देखो आ रही नहीं होगी। उसको गेमिंग के बारे में ज्यादा पता नहीं है, अभी नया है, कोई दिक्कत नहीं है। भाई कह रहा कि मुझे गेम गुम का पता नहीं, हम तो देखो कुछ नहीं आता, हम तो तब भी जीत जाते। तो जैसे कि साथियों आपने देख लिया इस क्लिप में किसने किसको रोस्ट किया, आपस में लगे हुए थे। तो अभी बात कर लेते हैं यहाँ पर मनीषा रानी की। तो मनीषा रानी का एक मीटअप था और मीटअप में वहाँ पर एल्विस यादव के गाने चलने लग गए। तो एल्विस गाने चले तो मनीषा का क्या रिएक्शन था, देखिए ये क्लिप। तो जैसे साथियों बात हो गई यहाँ पर मनीषा की, तो बात कर लेते हैं कटारिया की। तो कटारिया ने एक स्टोरी डाली थी जिससे रिलेट कर रहे थे लोग मनीषा से, और इसी को सिफाई देते हुए कटारिया ने कहा जरा देखिए ये क्लिप। मैंने स्टोरी डाली, मैं जय को पिक करने जब जा रहा था, आज की बता रहा हूँ, आज की स्टोरी बता रहा हूँ, सुनना कितनी फनी है। और मम्मी की कसम, अपने छोटे बालक है ना वे हमारे घर पर, उनकी कसम खा कह रहा हूँ, मेरा कोई वो नहीं था, हालांकि मेरे को इन चीज़ों पर कसम खाने की जरूरत ही क्या। पर अब मैं कुछ बोलता हूँ तो लोग उसको किसी और चीज़ से कनेक्ट कर लेते हैं। मेरी स्किन पे फेस लाइट पड़ रही थी भाई, तो ग्लो करता स्किन, मतलब सनलाइट पड़ती है, समझ रहे हो ना मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ। तो मैंने स्टोरी डाल दी, ऐसे ही ये स्किन केयर वाले चैनलों को रोस्ट करते हुए कि मतलब छोटा सा वो था टॉन्ट सा कि बंदों ने क्या करा, वो मनीषा वाली वीडियो से कनेक्ट कर लिया, उन्होंने जो प्रमोशन किया था। अरे भाई मेरे को मत करे करो कनेक्ट, मैं किसी के लफड़ों में पड़ता ही नहीं। तो साथियों ये थी वीडियो, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।